खबर किशनपुर गांव से आ रही है। यहां पर एक दबंग युवक जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है और कब्जा ना देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रामनिवास गुर्जर, भरत सिंह गुर्जर निवासी मगरोनी के द्वारा हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। मामले को लेकर कई बार थाने में शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आरोपियों के द्वारा गाली गलौज की जाती है, कब्जे को हटाने को कहा जाता है। मामले को लेकर अशोक आदिवासी के साथ किशनपुर के ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। जो गया का राम निवास गुज्जर हमको मार रहा है, जमीन जबरदस्ती से छुटा रहा है। हमारी सरकारी जमीन है जो उसको घेर रहे हैं, कर खा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं तो कब से कर रहे हो? हमको कम 20 साल हो गई। अब कौन आ गया तुम्हें? आप जी राम निवास पुरानी मगरोनी का गुज्जर है जो जबरदस्ती से छुटा रहा है, मार पीट कर रहा है। साहब जी हाथ भी तोड़ दिया मेरा, मारा पीट करी। हाँ जी हाथ भी टूटा डाला है हमको। चार पांच आदमियों को मारा, पांच आदमियों को। हाँ पुलिस थाने में गई चौकी मगरोनी, नहीं सुन रहे, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, सब छूटे फिर रहे हैं। तुम गांव में रह रहे हो डर के मारे? गांव से बाहर हो? हम तो गांव से बाहर ही है, उसी जमीन पे डले हैं हम तो उसी पे। ये मगरोनी के ग्राम झंडापुरा का प्रकरण है। यहाँ पे कुछ हमारे ट्राइबल्स के महिला पुरुष आए थे, इनके द्वारा कहा गया था इनके साथ जमीन को लेकर कोई वाद विवाद हुआ है। तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो एसटीएसए का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया है, प्रकरण विवेचना में है। परंतु अभी इनके द्वारा बताया गया है कि उनको कुछ धमकाया जा रहा है, तो अभी तत्काल थाना प्रभारी को बताया गया है कार्रवाई करके निर्देशित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें एसटीएस की और मारपीट की धाराएँ हैं, सामान्य धाराएँ हैं। अभी पीड़ित के द्वारा बताया गया था उनके हाथ में फ्रैक्चर है, तो उनको मेडिकल भी करा लिया जाएगा।